तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रेसलिंग इन द एंटरटेनमेंट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि अंडरटेकर रेसलमेंट 30 में ब्रॉक लेसनर से क्यों हार गए थे, इसकी वजह क्या थी। तो ये वीडियो में लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट। दरअसल अंडरटेकर मैच हारने की वजह और कोई नहीं, यानी कि विंस मैकमैन ही है। विंस मैकमैन ने ही अंडरटेकर फोर्स किया था कि वो ब्रॉक लेसनर से हार जाए। जब उनको पता चला था कि उनको इस मैच में हारना है, उनको थोड़ा सा शौक भी लगा था और उन्होंने विंस मैकमैन से पूछा भी था कि क्या मुझे सच में हारना है, और उन्होंने उनसे कंफर्म भी किया था और उन्होंने कहा कि हाँ, तुम्हें सच में हारना है। और विंस मैकमैन ऐसा इसलिए चाहते थे क्योंकि उनको लग रहा था कि अंडरटेकर इसके बाद कभी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और ये उनका लास्ट रेसलमेनिया भी हो सकता है, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। इसलिए वो चाहते थे कि उनकी रिटायरमेंट से पहले ही उनको उनकी हिस्ट्री को तोड़ दिया जाए, इसलिए उन्होंने अंडरटेकर की हिस्ट्री को तोड़वा दिया ब्रॉक लेसनर के हाथ। शुरुआत में ब्रॉक लेसनर ने भी मना किया था कि वो अंडरटेकर हिस्ट्री को नहीं तोड़ेंगे, लेकिन विंस मैकमैन ने उनको फोर्स किया जिसके कारण उनको अंडरटेकर की स्ट्रिक को तोड़ना पड़ा और इसी कारण से अंडरटेकर स्ट्रिक रेसलमेनिया 30 में टूट गई। तो दोस्तों, वीडियो में तक इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में चैनल सब्सक्राइब कर, मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।